हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर हम आपको एक नई जगह ले जाने वाले हैं। दोस्तों, आज हम जहाँ जाने वाले हैं उस जगह का नाम है बिलहरी। बिलहरी एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेस है और यह कटनी शहर से काफ़ी पास है। अगर आप कटनी में रहते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी पास पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पर कई जगह हैं घूमने लायक, जैसे जैन मंदिर है, यहाँ का फेमस जैन मंदिर जिसका नाम है तरण तारण जैन मंदिर। इसके अलावा यहाँ पर पुष्पावती नगरी भी है जहाँ पर किला है, जिसे पुष्पावती किला भी कहते हैं और इसे राजा कर्ण के किले के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर विष्णु वराह मंदिर भी है। और आज हम इन तीनों जगह पर जाएंगे दोस्तों और वहाँ की चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी यात्रा। दोस्तों, हम सबसे पहले जैन मंदिर जाएंगे और उसके बाद फिर बाकी जगह पर। दोस्तों, हम तरण तारण मंदिर जैन मंदिर में पहुंच चुके हैं और सामने जो आप बड़ा सा गेट देख रहे हैं, ये जैन मंदिर का गेट है। और इस मंदिर का द्वार आपको दिख रहा है जो काफ़ी बड़ा है। मंदिर में बड़े बड़े अक्षरों से मंदिर का नाम और उनको बनाने वाले का नाम लिखा हुआ है। आइए मंदिर के अंदर चलते हैं। ये सामने जो गेट है इससे। गेट काफी छोटा है इसलिए थोड़ा जाने में प्रॉब्लम है। बड़ा गेट अभी शायद खोला नहीं गया है ये कोविड की वजह से। आप सामने जो बड़ा सा दरवाजा देख रहे हैं, ये मंदिर का दरवाजा है जो काफी खूबसूरत बना हुआ है। इसका डिज़ाइन बहुत ही अच्छा है और इस मंदिर का डिज़ाइन भी बहुत अच्छा है। ये मंदिर का द्वार है, मंदिर तो हमें अंदर जाके देखना पड़ेगा अभी। ये देखिए कितना सुंदर सा गेट बनाया गया है। इसमें स्वास्तिक का साइन बना हुआ है, काफ़ी सर्कल बने हुए स्वास्तिक के। और पास से दिखाते हैं आपको, ये देखिए। मंदिर के अंदर काफ़ी पेड़ पौधे हैं और बहुत ही अच्छा माहौल है मंदिर के अंदर का। हालांकि यहाँ भीड़ बहुत ही कम है, कोई भी दूसरे लोग यहाँ पर नहीं हैं क्योंकि लॉकडाउन का समय चल रहा है। शायद कोरोना की वजह से इस मंदिर में जो कार्यक्रम होते थे, मेले का आयोजन होता था जनवरी फरवरी में, वो इस साल बंद किया गया है कोविड की वजह से। वरना यहाँ काफ़ी चहल पहल होती थी पहले। अंदर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं दोस्तों। आप आएंगे तो आपको ये मंदिर के अंदर का पार्क वाला एरिया बहुत अच्छा लगेगा। आप यहाँ अपने बच्चों और फैमिली के साथ भी आ सकते हैं। कुत्ते के बच्चे। तो सामने जो दोस्तों आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं, ये मंदिर है, ये मंदिर की बिल्डिंग है। काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन है मंदिर का, कितना खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर शानदार। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है दोस्तों। मंदिर के चारों तरफ का पार्क का एरिया कितना खूबसूरत है, उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत मंदिर का डिज़ाइन है। दोस्तों, मंदिर के अंदर एंट्री तो है, अवेलेबल है, बट मंदिर के अंदर वीडियो और फोटो खींचना सब मना है, इसलिए अंदर का कोई भी वीडियो और फोटो हम आपको नहीं दिखा पाएंगे।
बहुत ही शानदार मंदिर दोस्तों। चलिए दोस्तों हम मंदिर के अंदर का दर्शन करके आते हैं। मंदिर परिसर के चारों जो पार्क फैला हुआ उसमें बच्चों के खेलने के लिए और मनोरंजन के काफ़ी झूले फिसल पट्टियाँ आदि यहाँ पे हैं। अगर आप बच्चों के साथ आते हैं तो वो काफ़ी एंजॉय करेंगे यहाँ पर। और पार्क का एरिया भी काफ़ी खूबसूरत और सुंदर है, तो ज़रूर आए दोस्तों यहाँ पे। दोस्तों अब इस मंदिर में बस सब कुछ अब कुछ खास देखने लायक नहीं है। मेन यहाँ का मंदिर है जिसे मैंने आपको दिखाया वो, और बस ये पार्क का एरिया है। मंदिर के अंदर के फ़ोटो और वीडियो हम आपको नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि वो पूरी तरह से वीडियो और फोटो खींचना मना है। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं किले की तरफ और मैं आपको यहाँ का किला भी दिखाता हूँ। चलिए दोस्तों। हेलो दोस्तों, हम राजा कर्ण के किले में पहुँच चुके हैं। इसे पुष्पावती का किला भी कहते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं। शायद अभी दरवाज़ा अंदर से बंद है, जो यहाँ की देख रेख करते हैं वो शायद अंदर हैं, वो दरवाजे को खोलेंगे थोड़ी देर में। चलिए दोस्तों नोटिस बोर्ड में क्या लिखा हुआ है। दोस्तों हम किले के अंदर आ चुके हैं और किले के अंदर प्रवेश करते ही सामने हनुमान जी का मंदिर पड़ता है। और किले के लेफ्ट साइड में पानी का कुंड है, पर हम वहां बाद में जाएंगे। पहले हम किले के अंदर प्रवेश करेंगे और वहां की चीज़ों को देखेंगे। यहां कुछ मूर्तियां पड़ी हुई हैं जो काफ़ी पुरानी हैं और काफ़ी खूबसूरत हैं। ये देखिए दोस्तों, चलिए अंदर चलते हैं। दोस्तों ये किला काफ़ी पुराना है, लगभग 2000 साल से भी ज़्यादा पुराना किला है, इसलिए इसका काफ़ी हिस्सा जर्जर होके टूट कर बर्बाद भी हो चुका है। सिर्फ कुछ पार्ट इसके बचे हुए हैं, जैसे सामने आप ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये एक मंदिर था, ये पूजा स्थल था, और जो उसके ये वाला हिस्सा है ये भी पूजा स्थल के लिए प्रयोग किए जाते थे। मतलब यहाँ पे जो भी बिल्डिंग देख रहे हैं पूजा स्थल थे यहाँ के। और इसके पीछे भी एक हिस्सा बचा, वो हम आपको बाद में दिखाएंगे, जो अस्तबल के तौर पर यूज किया जाता है, जहाँ पर घोड़े बांधे जाते थे, वो हम आपको बाद में दिखाएंगे। ये देखिए दोस्तों, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये अस्तबल का पार्ट है। यहाँ पे उस समय घोड़े, दोस्तों ये प्लेस है जहाँ पे घोड़ों को बांधा जाता था, यहाँ पे घोड़ों को रखा जाता था, और जिसे हम अस्तबल कहते हैं, ये अस्तबल था उस समय का। कुछ हिस्सा इसका ईंटों से बना हुआ है, कुछ हिस्सा इसका बलुआ पत्थर से बना हुआ है। दो कमरों में डिवाइड थे
और काफी लंबा स्पेस है इसमें। और काफी ऊंचाई भी इसकी बहुत ज्यादा, चौड़ाई तो कम है लंबाई का ऊंचा है। और काफी सारे इसमें गेट हैं आने के लिए। दोस्तों सामने आप ये गोल चक्की सी देख रहे हैं, ये उस समय आटा पीसने के काम आती थी राजा महाराजाओं के ज़माने में। इसमें घोड़ों को बांधकर उनको चारों तरफ घुमाया जाता है जिससे आटा पीसा जाता था। ये गोल चक्की जो आपको दिख रही है ये चारों तरफ घूमती थी और आटा पीसता था। दोस्तों इस किले को राजा कर्ण का किला भी कहा जाता है। वो महाभारत वाले कर्ण नहीं है, ये दूसरे कर्ण है जो इस किले पर राज करते थे। आज से 1500 साल तक पहले की बात है। दोस्तों आपने किले का सभी पार्ट देख लिए हैं, तो अब हम यहाँ से चलते हैं और विष्णु भराय मंदिर देख के लिए निकलते हैं। दोस्तों हम विष्णु भराय मंदिर पहुंच चुके हैं। ये विष्णु भराय मंदिर के चारों तरफ का एरिया है। यहाँ ये शिवलिंग दिख रहे हैं आपको, यहाँ दो शिवलिंग बाहर रखे हुए हैं और अंदर ये सामने इस गेट है, इसके अंदर से हम होते हुए विष्णु भराय मंदिर के अंदर जाएंगे। चलिए दोस्तों इस मंदिर को एक्सप्लोर करते हैं अच्छी तरह से। ये सामने आप देख रहे हैं बड़ी सी बिल्डिंग, ये मंदिर की बिल्डिंग। सूरज की रोशनी पड़ रही तो शायद थोड़ा लोग को वीडियो सही ढंग से बन नहीं पा रही है, बट फिर भी हम आपको अच्छी तरह से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सामने वराह भगवान की मूर्ति रखी हुई है। एक्चुअल में कुछ समय पहले इनके, कुछ सालों पहले इनके पैर काट दिए गए थे और इन फिर इन मूर्ति को यहाँ पर रख दिया गया था, तो ये मूर्ति खंडित अवस्था में है। ये मंदिर के ये सारे जितने भी खंभे हैं सब पत्थरों से बने हुए हैं दोस्तों, और इसमें काफी सुंदर, अच्छी सुंदर सी नक्काशी की गई है। दोस्तों
दोस्तों इसी के साथ ये आज का हमारा वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आप कमेंट में अपनी राय भी दे सकते हैं।